Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बीएचयू सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लोकपाल लोकायुक्त एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दिस इज माय थर्टियथ लेक्चर इस लेक्चर के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि लोकपाल लोकायुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना कैसे होती है कौन इनको अपॉइंट करता है इनका टेन्योर क्या है और इनके पावर क्या हैं ये किस लिए स्थापित हुए हैं एक एक करके इसको देखने का प्रयास करेंगे आप स्क्रीन पर देखें मैंने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 लिखा हुआ है इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड पर मैं हिस्ट्री में आपको बताऊं कि लोकपाल से संबंधित पहला प्रयास 1963 में लक्ष्मी मल सिंघवी के द्वारा जो कि स्वयं एक सांसद थे उनके द्वारा यह सर्वप्रथम शब्द प्रयोग किया गया कि लोकपाल भारत में होना चाहिए दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ए जिसको हम संक्षेप में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 के द्वारा सर्वप्रथम ये सिफारिश की गई कि भारत में भी केंद्रीय प्रशासन में व्याप्त भ्रस्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए निगरानी संस्था होनी चाहिए जिससे जनता का विश्वास प्रशासन में बना रहे तो भारतीय प्रशासन में स्वच्छता लाने के लिए पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार ये प्रयास किया गया 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश किया कि भारतीय राजनीति में शुच्छता लाने के लिए पारदर्शिता लाने के लिए लोकपाल की स्थापना की जाए जो न केवल प्रधानमंत्री बल्कि केंद्रीय मंत्रियों के विरुद्ध किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से संबंधित मामले आने पर एक ऐसी निगरानी संस्था होनी चाहिए जिससे कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास कायम रहे और जनता को यह विश्वास हो कि यदि प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री के द्वारा भी कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कोई ऐसी संस्था है जो कार्रवाई कर सकती है आपको जैसा मालूम होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल थ्री सिक्सटी वन के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को तो संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है परंतु प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य विधाय विधायकों के या लोकसभा सदस्यों के द्वारा यदि कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उनके उन्हें उस प्रकार की विशेषाधिकार उन्मुक्ति नहीं प्राप्त है मेरे कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो इन्मुक्ति प्रदान की गई है वह भ्रष्टाचार के लिए नहीं बल्कि वह उनको संवैधानिक संरक्षण दिया गया है कि अनावश्यक मुकदमेबाजी ऐसी संवैधानिक पदों के विरुद्ध न हो लेकिन इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि अगर लोकसभा सदस्य केंद्र का मंत्री और या प्रधानमंत्री कोई अपराध करता है या कोई भ्रष्टाचार करता है तो उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी कोई आरोप लगाया जाता है मंत्री केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध संसद सदस्य के विरुद्ध एम के विरुद्ध कोई आरोप लगाया भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है तो एक वाचडाग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए निगरानी संस्था होनी चाहिए जो ऐसे संवैधानिक पदों पर पदासीन व्यक्तियों के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को निस्तारित किया जा सके यह सुनिश्चित करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया पहला प्रयास 1966 में मोरारजी देसाई की द्वारा किए गए रिकमेंडेशन इस समिति ने जो सारी जो प्रशासनिक सुधार आयोग था इसने सिफारिश किया कि भारत में लोकपाल जैसी संस्था की आवश्यकता है ये लोकपाल जैसी संस्था इंग्लिश में भी हम इसको लोकपाल ही बोलते हैं आप हिंदी में जैसे लिखा हुआ है हम इसको इस स्क्रीन पर आप देखें लोकपाल लोकपाल एंड लोकायुक्त तो लोकायुक्त अब लोकपाल का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये जैसा आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो स्वीडन में एक संस्था वहां पे थी जिसको हम ओमबोट्समैन बोलते हैं तो स्वीडन में ओम्बोट्समैन एक ऐसी वाश ऑर्गेनाइजेशन थी निगरानी संस्था थी जो स्वीडन में प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को निस्तारित करने के लिए वह संस्था कोई भी जांच कर सकती थी उसी कॉन्सेप्ट पर उसी आधार पर हमारे यहाँ ओम्बोट्समैन की ही संकल्प के आधार पर भारत में पहली बार उन्नीस में यह प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि जिस प्रकार स्वीडन देश में ओम्बोट्समैन नाम की संस्था वहाँ के संविधान में प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों के विरुद्ध जांच करने की पावर रखती है भारत में भी उसी प्रकार की एक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जिसका नाम लोकपाल रखा गया लोक प्रहरी रखा गया लोकपाल का मतलब है लोकपाल लोक प्रहरी लोगों के ऊपर एक ऐसी संस्था लोकपाल एक ऐसा ऐसी संस्था होगी जो केंद्र में पदासीन मंत्रियों और प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी जांच करने का पावर इसको दिया जाए अब प्रधानमंत्री को इसमें लाया जाए न लाया जाए इसको लेकर के बहुत विवाद रहा है कि केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय संसद के सदस्यों को तो इसमें रखा जाए लेकिन प्रधानमंत्री इसमें दायरे में आए या न आए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को इसमें रखा या न रखा जाए इसको भी लेकर के विभिन्न समितियों ने विभिन्न आयोगों ने सिफारिश की लेकिन चूंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कदाचार के आधार पर अक्षमता के आधार पर स्वयं संविधान में ही आ, दो आधार दिए गए हैं मिसकंडक्ट एंड इनकेपेसिटी ऑन दीज टू ग्राउंड्स दे कैन बी सैक दे उनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है लेकिन प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री या केंद्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा लोकसभा सदस्यों के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है भ्रष्टाचार का अपराध किया जाता है तो इनके विरुद्ध भी एक प्रभावी संस्था होनी चाहिए जो जांच कर सके और दोषी पाए जाने पर उस कार्रवाई की जा सके यह सुनिश्चित करने के लिए लोकपाल की स्थापना की बात की गई अब इसमें देखते हैं इस स्क्रीन पर आप देखें कि लोकपाल जो वर्ष 2013 में ये 1966 से लेकर के वर्ष 2013 में कई बार लगभग तेरह बार जो है लोकसभा में इसको पारित किया गया बिल विधेयक के रूप में लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की या राजनीतिक जो पॉलिटिकल विल है ड्यू टू लैक ऑफ पोलिटिकल विल दैट लोकपाल बिल कुड नाट बी कन्वर्टेड इन एक्ट कानून नहीं बना जा सका यह राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण परंतु 2013 में भारतीय संसद के द्वारा लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम भी पारित कर दिया गया जिसके अंतर्गत हम लोकपाल की संरचना को देखेंगे कि लोकपाल में कौन कौन सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी उनके कार्य क्या होंगे तो आप स्क्रीन पर देखें लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा और आठ इसमें सदस्य होंगे अर्थात जो लोकपाल संस्था होगी ये नौ सदस्यी होगी और नौ सदस्यों में एक अध्यक्ष होगा और आठ सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति जो है एक एच होगी हाई पावर कमेटी होगी जो हाई पावर उच्च समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री हो होंगे लोकसभा अध्यक्ष होंगे नेता प्रतिपक्ष होगा लोकसभा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे राष्ट्रपति के द्वारा नामित एक सदस्य होगा अब आप देखें कि एक ऐसी हाई पावर कमेटी है जिसमें कि प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का नेता लोकसभा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा नामिनेट किया गया एक सदस्य अर्थात विपक्ष के द्वारा प्रत, नेता प्रतिपक्ष भी यदि रहेगा इस समिति में तो एक इस समिति को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कि जो ये सुझाव यह समिति देगी कि इनको मिस्टर एक्स को लोकपाल बनाया जाए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जेड को इसमें में मेंबर बनाया जाए अगर नेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो इस बात की संभावना बहुत कम होगी कि बाद में वो लोग आरोप लगाएंगे कि लोकपाल में उनके बातों को नहीं रखा गया लोकपाल में सरकार के व्यक्ति आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष सामान्यतः जो है उसी पार्टी का ही होता है जो सत्ता शासन में होती है तो विपक्ष के नेता ये आरोप लगा सकते हैं कि उनमें उनकी बातों को नहीं रखा गया तो इनको भी एक अवसर प्रदान किया गया कि वह अपनी असहमति या सहमति व्यक्त कर सकते हैं उस समिति के अंतर्गत जिस नाम पे उनको असहमति है उसको वह विरोध कर सकते हैं तो जो कुछ नाम उसमें निकल के आएगा लोकसभा जो भी लोकपाल अध्यक्ष जो लोकपाल में अध्यक्ष होंगे जो सदस्य होंगे विपक्ष के द्वारा भी उसमें सहमति या असहमति व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया है जिससे एक संस्था और लोकतांत्रिक होगी और इसकी जो सिफारिश की जाएगी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध तो यह विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं हो सकता या कहने का किन को उनको छोड़ दिया गया या विपक्ष की बातों को नहीं रखा गया इसलिए नेता प्रतिपक्ष को भी इसमें रखा गया है अब यह लोकपाल की नियुक्ति के लिए सदस्य की नियुक्ति के लिए इन समिति के द्वारा जो सिफारिश की जाएगी उसी से ये नियुक्त होंगे लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कहाँ कहाँ से लोग आएंगे इसके लिए आप देखें स्क्रीन पर ही मैंने दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि लोकपाल के आठ सदस्यों में से फिफ्टी परसेंट जो है न्यायिक क्षेत्र से होंगे अर्थात चार सदस्य जो होंगे वे जुडिशियल बैकग्राउंड से होंगे अर्थात वे जुडिशरी से आने चाहिए क्योंकि चूंकि इसमें एडजुडिकेशन का मामला है वह निर्णय लेना है तो लॉ बैकग्राउंड का होना विधि के क्षेत्र का होना जरूरी है तो फिफ्टी अर्थात आठ का चार सदस्य जो है न्यायिक क्षेत्र से होंगे इनका क्षेत्राधिकार क्या होगा क्या ये किन किन लोगों को किन किन लोगों के विरुद्ध लोकपाल जांच कर सकेगा प्रधानमंत्री मैंने इसमें लिखा है पीएम केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं केंद्रीय मंत्री होंगे सभी लोक सेवक होंगे जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं आई हैं और जिनको भी पी हैं जिनको आई का कैडर मिला हुआ है जितने भी लोक सेवक हैं ए बी सी कैटेगरी के संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए वह ए बी सी कैटेगरी के जितने पब्लिक सर्वेंट लोग होंगे उनके विरुद्ध यह लोकपाल जांच करेगा लोकपाल को सीबीआई के ऊपर भी सुपरविजन की अधिकारिता होगी इस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया होगा अब यह लोकपाल के द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित दूसरी स्क्रीन आप स्क्रीन पर देखें स्लाइड में मैंने जो बनाया है कि लोकपाल के द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित तो मामले की शीघ्रता से निस्तारण करना स्पीडी डिस्पोजल आपके लिए एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करने का पावर दिया गया कि टाइम बाउंड इंक्वायरी की जाए जिससे कि बहुत लंबा मामले को न खिंचाए लोगों में विश्वास आ, लोगों में अविश्वास पैदा होगा कि ये मामला बहुत लंबा किया जा रहा है इसलिए शीघ्रता निस्तारण के लिए लोकपाल को प्रारंभिक जांच तीन माह के भीतर करनी है अन्वेषण जो है मैक्सिमम छः माह के भीतर कर लेना है ट्रायल जो इस मामले का एक वर्ष के भीतर न्यायालय के द्वारा कर लिया जाना है मैक्सिमम मिनिमम पनिशमेंट इसमें तीन वर्ष का है भ्रष्टाचार से संबंधित इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं सेक्शन सेवन एट नाइन एवं ट्वेल्व के अधीन और भ्रष्टाचार में इसमें दस वर्ष तक की कारावास की सज़ा हो सकती है लोकपाल इसमें अब आप देखें कि जांच तीन माह के भीतर प्रारंभिक जांच अंतिम जो अन्वेषण है छः माह में भीतर कर लिया जाना चाहिए ट्रायल भी एक वर्ष के भीतर होना चाहिए यह इसके इस लोकपाल के इफेक्टिव बनाने के लिए प्रभावी बनाने के लिए यह स्पीडी डिस्पोजल ऑफ मैटर्स किया गया और भी इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं जैसा मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री लोकसभा सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए ए श्रेणी बी श्रेणी सी श्रेणी के लोक सेवक उसके पश्चात एन हैं जो संस्थाएं हैं गैर सरकारी संस्थाएं एन विदेशों से धन प्राप्त कर रही ऐसी संस्थाएं एन जो दस लाख प्रतिवर्ष दस लाख से ज़्यादा की सहायता प्राप्त कर रही हैं वो भी जांच के दायरे में होंगी पहली बार लोकपाल में लाया गया है प्राय आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी एन हैं जो विदेश में फंडिंग हो रही है अब वो क्या कार्य कर रहे हैं वो उनके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या हैं ये एन को दस लाख से ज़्यादा का अगर उनका एड ले रही हैं विदेशों से धन ले रही हैं तो उनको भी लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा यह अधिनियम आप देखें प्रत्येक राज्यों में एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त की स्थापना का भी निर्देश देता है कि प्रत्येक राज्य सरकारें एक वर्ष के इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर अपने राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना करेंगी जो कार्य लोकपाल लोकपाल को केंद्रीय स्तर पर दिया गया है वही कार्य लोकायुक्त को राज्य स्तर पर दिया गया है कि लोकायुक्त मुख्यमंत्री राज्य के कैबिनेट मंत्री और मंत्री राज्य विधान मंडल के सदस्यों और राज्य के अधीन काम करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को की जांच करेगा तो लोकपाल मैंने आपको बताया केंद्रीय स्तर पर राज लोकायुक्त राज्य स्तर पर इस लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर राज्य प्रशासन केंद्रीय प्रशासन और राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये दो संस्थाओं का निर्माण किया गया है अब लोकपाल किन किन एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा यह संस्था लोक सेवक के विरुद्ध स्वयं प्रेरणा से भी इसमें देखें कार्रवाई नहीं कर सकती लोकपाल स्वपीड़ा से कार्रवाई करने का मतलब है निष्पक्ष कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता बायस हो सकता है इसलिए स्वपीड़ा से कार्रवाई नहीं कर सकते एप्लीकेशन होगा गुमनाम आवेदन की अनुमति नहीं है जो जो एनोनिमस एप्लीकेशन होते हैं व्यक्ति बिना नाम के किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे देता है एनोनिमस जो एप्लीकेशन होंगे उसकी अनुमति इजाज़त इसमें नहीं होगी शिकायत दर्ज करने का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया हुआ है सेवन एयर्स दिया है एक इस एक्ट का डिमेरिट कहें या मेरिट कहें जो भी इसमें एक टाइम बाउंड कर दिया गया कि सात वर्ष के भीतर भ्रष्टाचार से संबंधित मामले लोकपाल के संज्ञान में ला दिए जाने चाहिए वरना अगर सात वर्ष के पश्चात कोई लाया जाता है भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला लाया जाता है तो इसको टाइम बाड के आधार पर पर सीमा बाधित होने के आधार पर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है तो इस प्रावधान को लेकर के भी चर्चा थी कि इस इस प्रावधान से तो अच्छा है कि भ्रष्टाचारी बच जाएगा अगर सात साल उसके विरुद्ध सात साल के भीतर उसके मामले को लोकपाल में नहीं लाया गया तो सातवें वर्ष के पश्चात अगर लाया जाता है तो उस आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है इसको संशोधन किया जाना चाहिए खैर इसके दूसरे पक्ष को देखते हुए आप आगे देख, दे, नेक्स्ट देखते हैं लोकायुक्त लोकायुक्त को भी राज्य स्तर पर जैसा कि मैंने बताया एक निगरानी संस्था है वॉच डॉग ऑर्गेनाइजेशन है इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व महाराष्ट्र राज्य ऐसा है कि जो 1971 में भी अपने यहाँ लोकायुक्त की स्थापना कर लिया था इस अधिनियम के आने के पहले भी उत्तर प्रदेश राज्य में लोकायुक्त अधिनियम 1973 से है तो राज्य स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार या राज्य के केंद्रीय मंत्री या विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे निस्तारित करने के लिए लोकायुक्त की स्थापना पहले ही हो गई थी वह चाहे हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से देखें लोकायुक्त के माध्यम से देखें तो लोकायुक्त 1971 में महाराष्ट्र प्रथम राज्य था जिसने लागू किया उत्तर प्रदेश राज्य में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्नीस सौ से ये लोकायुक्त एक्ट अधिनियम है लेकिन इसको 2013 में इसके लिए और थोड़ा व्यापक बना दिया गया इसके इसके क्षेत्राधिकार को और बढ़ा दिया गया मैंने बताया जैसे एन पहले नहीं था अब इस लोकायुक्त को वर्ष 2013 हज़ार तेरह में आ, कौन नियुक्त करेगा आप देखें इस एक्ट के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और एक समिति होगी ये भी एक समिति एच इसको बोलें हाई पावर कमेटी होगी उस हायर पावर कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होगा और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता होंगे इन लोगों के द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी अभी तक वर्तमान में 20 राज्यों में लोकायुक्त काम कर रहे हैं और लोकायुक्त जैसा कि मैंने आपको बताया उनका काम क्या है इसके पश्चात आप स्क्रीन पर देखें कि दो बातें तो हो गई कि लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना पावर मैंने ये बताया कि लोकपाल बिल विधेयक जो है ये पहली बार उन्नीस में 1968 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा में पहली बार 1968 में प्रस्तुत किया गया लोकपाल बिल अब आप ये सोचें कि 1968 में पहली बार प्रस्तुत किया गया और ये कानून बना लोकपाल एक्ट बना कानून का रूप लिया ये 2013 में तो ये दो बातें दो आपको तिथि दो ईयर याद रखने हैं पहली बार सिफारिश की गई कि होना चाहिए 1966 में उसी सिफ़ारिश के आधार पर 1968 में दो वर्ष पश्चात लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया बिल के रूप में और उसके पश्चात कई बार उन्नीस में वाजपेयी सरकार की गवर्नमेंट में भी लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया परंतु कानून नहीं बन पाया अब लोकपाल 2013 में कानून का रूप लेता है लोकपाल में आठ सदस्य होंगे एक अध्यक्ष होगा इनकी नियुक्ति कैसे होगी इनके कार्य क्या होंगे मैंने आपको बताया कि एक जो पहली बार इस अधिनियम के द्वारा प्रधानमंत्री को इसमें दायरे में लाया गया केंद्रीय मंत्री को इसमें दायरे में लाया गया और लोकसभा सदस्य पहले ही से उसके लिए दूसरा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना हुआ है एंटी करप्शन एक्ट जो जिसको अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बोलते हैं उस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध संसद सदस्यों के विरुद्ध विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई पहले भी की जाती रही है परंतु केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो जांच करने अन्वेषण करने की पावर जो है इस लोक लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा सुनिश्चित किया गया है और राज्य स्तर पर मैंने आपको बताया कि लोकायुक्त के माध्यम से हो रहा है लोकायुक्त की नियुक्ति होगी राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा उसमें भी चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के द्वारा जो है रिकमेंडेशन दिया जाएगा नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में होगा वह उसको सिफारिश करेंगे राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेंगे इनकी भी मैंने कहा क्षेत्राधिकार क्या है अब ये कितना इफेक्टिव होंगे ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या कोई लोकपाल या लोकायुक्त के द्वारा किसी भी मंत्री को दंडित किया गया नहीं किया गया भ्रष्टाचार के मामलों में ये आने वाले समय में इसकी एफिकेसी को देखा जा सकता है कि क्या होगा दो संस्थाओं के पश्चात जो तीसरी प्रमुख संस्था है भारत में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दूर करना तथा तो प्रशासन में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी इन्श्योर करने के लिए भारत में जैसा कि आप सभी छात्र जानते होंगे वर्ष 2005 में भारतीय संसद के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 बनाया गया उस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत दो प्रमुख संस्थाओं के निर्माण करने की बात की गई राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग राज्य स्तर पर उन व्यक्तियों के व्यथित व्यक्तियों के जो एग्रीवड हैं कि जिनको सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिनको गलत सूचना प्राप्त हुई है जिनको अपूर्ण जो उनको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वे राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयोग से भी संतुष्ट नहीं हैं तो केंद्रीय सूचना आयोग में वे अपील कर सकते हैं और केंद्रीय सूचना आयोग ऐसे व्यक्ति को जिसके पास वह सूचना है कैसे देगा कौन इस केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्त किया जाएगा राज्य सूचना आयुक्त कौन होगा ये कितने सदस्य होंगे इसको लेकर के अब बात करते हैं स्क्रीन पर आप देखें मैंने इन्फॉर्मेशन कमीशन के रूप में इनको ऐसे आइडेंटिफाई किया हुआ है सूचना आयोग सूचना आयोग में मैंने केंद्रीय सूचना आयोग लिखा हुआ है राज्य सूचना आयोग लिखा हुआ है ये कहाँ से स्थापित होने की बात है पहला उसमें देखें आर 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 थाउजेंड फाइव प्रशा किस लिए आया इसका उद्देश्य क्या है प्रशासन में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने हेतु यह संसद के द्वारा वर्ष 2005 में कानून बनाया गया अब केंद्रीय सूचना आयोग इसकी धारा बारह में है राज्य सूचना आयोग का प्रावधान इसके धारा पंद्रह में है इसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि एम पी जो है सीआईसी नहीं होंगे किसी भी विधायक को किसी भी संसद सदस्य को सूचना आयोग नहीं बनाया जाएगा आप कल्पना करें कि अगर इनको सूचना आयुक्त बना दिया गया इन्फॉर्मेशन कमीशन में रख दिया गया तो इन्हीं के विरुद्ध सूचना आनी है तो हो सकता है कि ये सूचना न आ, सही सूचना न दें यह सुनिश्चित करने के लिए विधायकों और संसद सदस्यों को सूचना आयोग में राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है अब ये देखते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है इसके बैकग्राउंड में अगर मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँ स्क्रीन पर ही तो पहला एक केस अगर आ, ये सारी सूचनाएं इसी पर मैं दे राज राजनारायण वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी ये केस वर्ष 1976 सुप्रीम कोर्ट में है इसमें कहा गया कि जो इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन इज लाइक इन्फॉर्मेशन इज लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉर डेमोक्रेसी कैसे शुरुआत हुई राइट टू इन्फार्मेसाइड की सूचना क्यों सूचना मिलना चाहिए भारतीय नागरिक को इससे देखिए संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट के समझ पहली बार आया कि राजनारायण वर्ष स्टेट ऑफ यूपी की केस में अब इस केस में जो संक्षेप में मैं आपको फैक्ट बताऊं कि राज नारायण जैसा कि आपको मालूम होगा इन्होंने इंदिरा गांधी को लोकसभा के निर्वाचन में रायबरेली में पराजित कर दिया था राज नारायण जो है ही वांटेड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने राज्य सरकार से सूचना मांगी थी कि राज्य सरकार यह सूचना दे 1925 में उन्होंने सूचना मांगी कि जो राज्य सरकार है वह वह इस याचिकाकर्ता को सूचना प्रदान करे कि जो गवर्नमेंट का फंड है उस गवर्नमेंट का फंड किस किस मद में जिन जिन मदों में आ, ख़र्च करना है क्या गवर्नमेंट उन्हीं मदों में धनराशि खर्च करती है और ये एक जो रेड बुक होती है जिसको हम बोलते हैं लॉग बुक जिसमें लोक सेवकों के द्वारा जो यात्रा तय की जाती है मंत्रियों के द्वारा जो यात्रा की जाती है उस लॉग बुक में उनको एंट्री किया जाता है कि कहाँ जा रहे हैं कितने कितना पेट्रोल कितना ख़र्चा किया कितना पैसा खर्चा किया तो ये ये सूचना जानना चाहते थे उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना लेना चाहते थे कहने का तात्पर्य है कि सूचना प्राप्त करने का जो राइट है राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन इसका इसकी न्यू जो है फाउंडेशन 1975 में ही पड़ गई थी राजनारायण के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया गया और कहा गया इन्होंने क्या अपने लिया कि इनका इनका तर्क ये था कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज अ टैक्स पेयर भारत का प्रत्येक नागरिक जो है टैक्स पेयर है इनकम टैक्स पेयर नहीं है टैक्स पेयर है जब वह ब्रेड खरीदता है जब वह टूथपेस्ट खरीदता है तो वही उसमें वह टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को और बींग टैक्स पेयर इट इज इट इज द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कंसर्न किसी भी राज्य से सूचना प्राप्त कर सकता है भारत का नागरिक टैक्स पेयर होने के नाते जब मैं एक रुपया दे रहा हूँ तो इवन रिक्शा पुलर जो है वह भी टैक्स पेयर है क्योंकि रिक्शा पुलर हो या तो कोई भी गरीब निर्धन व्यक्ति भी टैक्स पेयर है क्योंकि जो भी वस्तु खरीदता है उस पर वो एक्साइज ड्यूटी देता है उत्पाद कर देता है गवर्नमेंट को तो सर नागरिक का पैसा जो वह टैक्स के माध्यम से एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से वह दे रहा है गवर्नमेंट को उसका वह पैसा कहाँ जा रहा है यह जानने का अधिकार नागरिक भारतीय नागरिक होने के नाते उसको होना चाहिए परंतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसके एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया गया ये देने के लिए कि यह गोपनीयता जो स्टेट जो राज्य सरकार है इस सूचना से इस सूचना से गोपनीयता भंग होगी और इस सूचना को पिटिशनर को नहीं दिया जा सकता है लिहाजा ए बिंग एग्रीव जो है ही फाइल ए पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें लिखा है कि इन्फॉर्मेशन इज लाइक लाइक ऑक्सीजन फॉर डेमोक्रेसी लोकतंत्र में सूचना का नागरिक का सूचना से इक्विप्ड होना इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना यह लोकतंत्र में ऑक्सीजन की भांत है जिस प्रकार से ऑक्सीजन व्यक्ति के मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उसके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है उसी प्र उसी प्रकार लोकतंत्र के सर्वाइवल के लिए इन्फॉर्मेशन का होना सूचना का होना आवश्यक है लोकतंत्र कोई सर्वाइव नहीं कर सकता सस्टेन नहीं कर सकता यदि लोकतंत्र में गवर्नमेंट किसी सूचना को दबाती है किसी सूचना को कंसील करती है यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है इसलिए इन्फॉर्मेशन भी लोकतंत्र के सर्वाइवल के लिए सस्टेन होने के लिए आवश्यक है अब इस केस में देखें कि पहली बार ही 1975 में 1975 और 2005, पार्लियामेंट ने तीस वर्ष ले लिया इस पर कानून बनाने में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट टू जाके बना वर्ष दो में जबकि इसकी शुरुआत जो है द बैटिल विच वॉज स्टार्टेड बाई राज नारायण ही स्टार्टेड दिस बैटिल इन नाइनटीन इन्होंने 1925 में इसकी शुरुआत कर दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मांग है तो सही है कि पेटिशनर जो है जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था उस इंफॉर्मेशन को राज्य के द्वारा दिया जाना चाहिए और इन्फॉर्मेशन है दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट राज्य के द्वारा इस सूचना को प्रदान किया जाना चाहिए क्यों क्योंकि सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है परंतु आप इस केस को मैंने आपको बताया कि इसमें राजनारायण की केस में हुआ 1975 में फिर पी की केस इकाई वर्ष 2002 में उस पी की केस में भी कह दिया कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ फंडामेंटल राइट दैट इज फंडामेंटल राइट तो अब सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया और जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन में पारदर्शिता के लिए सूचना का होना आवश्यक है तो यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद ने 2005 में एक एक्ट बना दिया अब इसको इस अधिनियम को संक्षेप में इसकी जो विशेषता है उसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि इस आयोग के कार्य क्या हैं मैंने आपको बताया कि उस आर टी आई एक्ट टू थाउजेंड फाइव के अंतर्गत इन्फार्मेशन शब्दावली को सूचना शब्दावली को परिभाषित किस रूप में किया गया है कि कोई भी ऐसी सूचना इन्फार्मेशन जो इन राइटिंग है लिखित है जो ई e फार्म में है इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है जैसे ईमेल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है सी डी फॉर्म है सी डी के रूप में अगर इंफॉर्मेशन कहीं कलेक्ट की गई है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ दैट मटेरियल इज़ इन फॉर्म ऑफ सी डी और दैट इन्फॉर्मेशन इज़ इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के रूप में अगर वह इंफॉर्मेशन है तो दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑप्टीन बाय इंफॉर्मेशन सीकर फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास है तो दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द इन्फॉर्मेशन सीकर जो इन्फॉर्मेशन सीकर है जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है यह उसका अधिकार है कि वह कोई भी सूचना प्राप्त कर ले जो पब्लिक डोमेन में पब्लिक अथॉरिटी के पास वह सोचना है तो पहली बात यह हो गई कि पब्लिक अथॉरिटी को आप जानना होगा इस पब्लिक अथॉरिटी को भी इसी एक्ट में डिफ़ाइन कर दिया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी इज़ आइडेंटिटी विच इज़ यथराइज बाई दिस एक्ट टू टू मेनटेन इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट एंड मैनेज द इन्फॉर्मेशन सो पब्लिक अथॉर्टी को भी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना होगा उसको रिटेन करना होगा कोई पब्लिक अथॉर्टी किसी भी सूचना को इस आधार पर देने से मना नहीं कर सकती कि यह सूचना अब हमारे पास ख़त्म हो गई या डिलीट हो गई है या सूचना अब उसके पास नहीं है यथारटी इज़ पब्लिक अथॉर्टी इज़ बाउंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट एनी कॉस्ट सूचना देना होगा तो अब इस अधिनियम के अंतर्गत जो है ये प्रावधान कर दिया गया कि इंफॉर्मेशन सीकर जो है इंफॉर्मेशन सीकर हैज राइट टू गेट इंफॉर्मेशन हैज ए मैटर ऑफ राइट अधिकार पूर्वक वह सूचना का दावा कर सकता है व्हाट एवर इंफॉर्मेशन इज परचेज बाई पब्लिक अथॉरिटी कैन बी ऑप्टेन्ड बाई द इंफॉर्मेशन सीकर वह इंफॉर्मेशन सीकर उस सूचना को प्राप्त कर सकता है और पब्लिक कैन नॉट कंसील एनी इन्फॉर्मेशन विच इज इन पब्लिक डोमेन जो अथॉरिटी है लोक प्राधिकारी है वह किसी भी ऐसी सूचना को कंसील नहीं कर सकता छिपा नहीं सकता है जो सूचना पब्लिक डोमेन में है ये दो ये दो बातें हो गई उसके पश्चात इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वह सेक्शन सिक्स का है कि सेक्शन सिक्स ऑफ दिस आर एक्ट टू गिव्स लिबर्टी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी यह सूचना अधिकार अधिनियम की धारा छः भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह लोक प्राधिकारी से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है निर्धारित शुल्क जमा करके अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इसमें जानना कि लोक प्राधिकारी किसी भी सूचना प्राप्तकर्ता को सूचना देने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि पहले वह सूचना प्राप्त करने का कारण बताए सूचना क्यों ली जा रही इसका कारण बताने के लिए किसी भी सूचनाकर्ता को कंपेल नहीं किया जा सकता है अब सेक्शन सिक्स जो है एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन सीकर को राइट प्रदान करता अधिकार प्रदान करता है कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा छः के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसका नाम निवास स्थान पता ही है निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट ए पॉइंट नंबर वन टू थ्री फोर जो भी सूचना वह प्राप्त करना चाहता है वह सूचना लोक प्राधिकारी से प्राप्त कर सकता है सिवाय उन सूचनाओं को कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन इसी एक्ट के अंतर्गत प्राइविटेड है डिस्क्लोजर से उसको हम सेक्शन आठ में इसी अधिनियम के धारा आठ के अंतर्गत जो ऐसी कुछ सूचनाएं हैं जिससे कि डिस्क्लोजर से राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो उस धारा आठ के अंतर्गत एग्जेपन क्लास बोलते हैं उस धारा सेक्शन एट को सेक्शन एट जो है वो एग्जेपन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जो डिस्क्लोजर है कि मतलब एग्जम्सन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से एग्जम्ड किया गया है कि सेक्शन एट में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएंगी उन इन्फॉर्मेशन को देने के लिए पब्लिक अथॉरिटी लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है उदाहरण के तौर पर आपको अगर मैं बताऊं कि इसरो में वर्तमान में साइंटिस्ट के द्वारा किन किन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है ये सूचना कोई प्राप्त नहीं कर सकता इस सूचना से कोई पब्लिक इंटरेस्ट जो है फुलफिल नहीं हो रहा है और इस इसरो के द्वारा इसरो के भीतर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं यह भारतीय नागरिक होने के नाते कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सूचना नहीं ले सकता है इस सूचना को धारा आठ के अंतर्गत डिस्क्लोजर से एग्जम्प्ट किया गया है कि थर्टी कैन कैन नाट डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एटम बम पर क्या रिसर्च हो रहा है न्यूक्लियर बम पर क्या रिसर्च हो रहा है एटॉमिक बम इंडिया कहाँ रखी हुई है किसके पास उसकी चाबी है एटॉमिक बम की ये कोई भी भारतीय नागरिक इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर सकता है तो ये जो गोपनीय है इस प्रकार की जो सूचनाएँ हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट को लेकर के हमारा जो जो साइंटिस्ट है वैज्ञानिक है वह ऐसे संस्थाओं में क्या कार्य कर रहे हैं किन किन बातों पर वह रिसर्च कर रहे हैं यह सूच इस प्रकार की सूचनाएं डिस्क्लोजर से एग्जेप्टेड हैं वंचित हैं इनको ये सूचनाएं, इस प्रकार की सूचनाएं कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि इससे राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है इस राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है इसलिए भारतीय संसद ने कहा कि राष्ट्रीय हित से जुड़े प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सूचनाओं को देने के लिए प्राधिकारी स्टेट सरकार बाध्य नहीं है ना तो उसे सूचनाएँ जैसे ही सूचना अप्लीकेशन जिन इन्फार्मेशन अथॉरिटी को दी जाती है और अथॉरिटी देखता है कि यह सूचना धारा आठ के परिधि में आता है वैसे ही उस सूचना अप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो ये बात क्लियर हो गई और कुछ ऐसी वो करीब जो भी आप सोचें अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं तो वे सभी सूचनाएं जो राष्ट्रहित को राष्ट्र की सुरक्षा को राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करती हैं वो धारा आठ के अंतर्गत लिखी गई हैं मेंशन की गई हैं उन सूचनाओं को किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक को प्रदान नहीं किया जा सकता है जम्मू कश्मीर राज्य में एयरपो एयरबेस कहाँ बना हुआ है जम्मू कश्मीर या मणिपुर अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का एयरबेस कहाँ बना हुआ है कहाँ पे वहाँ पे मिसाइलें लगाई गई हैं ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार नागरिक का नहीं है ये सारी सूचनाएं धारा आठ के अंतर्गत प्रतिरक्षित हैं उसको कोई भी लोक प्राधिकारी नहीं दे सकता है धारा आठ में वे सूचनाएं जो नहीं आती हैं सभी सूचनाएं कोई भी भारत का नागरिक सरकार से प्राप्त कर सकता है कभी भी प्राप्त कर सकता है ऐसी सूचनाकर्ता से <khus़> सूचना प्राप्त करने का कारण नहीं पूछा जा सकता है आप देखें कि इस अधिनियम को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को आरटीआई एक्ट को किस उद्देश्य से पारित किया गया परंतु इसका दुरुपयोग अब वर्तमान समय में कितना दुरुपयोग होता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन लेने के लिए सूचना दस रुपए खर्च करके जो साइटिस्टिक हैं, आर एक्टिविस्ट हैं जो कुछ उसमें अच्छे काम कर रहे हैं परंतु कुछ उसमें केवल और केवल शासन प्रशासन को परेशान करने के लिए उदाहरण के तौर पर नगर निगम अधिकारी से सूचना प्राप्त की जाती है सूचनाकर्ता के द्वारा कि संबंधित नगर विभाग का नगर अधिकारी ये बताए कि नगर निगम के क्षेत्र में उसने पिछले एक वर्षों में कितनी स्ट्रीट लाइट लगाई है खंभों पर कितने बल्ब लगाए गए उस पर कितना पैसा खर्च किया गया कितने अभी एक वर्ष में सही हैं और कितने बल्ब खराब हो गए हैं एल ख़राब हो गई है इस प्रकार की जो सूचनाएं सरकार के समक्ष आ रही हैं और वह सूचना एक निर्धारित समय के भीतर देना होता है और निर्धारित समय के भीतर सूचना न देने पर उस संबंधित प्राधिकारी पर जो लोग जो सूचना प्राधिकारी है उस पर कार्रवाई हो जा रही है उस पर जुर्माना लगा दिया जा रहा है और जिस सूचना से कोई मतलब नहीं है कि एक वर्ष में अगर दस एल खराब हो गई हैं बीस एल चल रही हैं तो उस खराब एल ई एक केवल और केवल प्रशासन को परेशान करने के लिए इस प्रकार की सूचनाएं प्राय आती हैं और ये तब आती हैं जब कोई आप एक कल्पना करें कि कोई व्यक्ति नगर निगम में गया और वह आवेदन किया कि मेरी जो है इस कॉलोनी में सड़क बन जानी चाहिए पांच बार एप्लीकेशन देने गया किसी कारणवश फंड धन के अभाव के कारण उसकी वो सड़क नहीं बन पाई तो उसने ग्यारहवीं बार क्या किया कि एक जाकर के एक दस रुपये का एक अप्लीकेशन दे दिया आरटीआई ले लिया कि पिछले जो है अब वो उसके दिमाग में बात आ गई कि मुझे इस नगर निगम को जो है दिखाना है सिखाना है अब वह लगाया पूरी सूचना कि पिछले पाँच वर्षों में नगर पालिका के द्वारा नगर निगम के द्वारा पिछले पाँच वर्षों में कितना पैसा खर्च किया गया वह सूचना प्राप्त वह सूचना उपलब्ध कराई जाए इस कितने स्ट्रीट लाइट लगाए गए इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए यहाँ पे कितने निर्माण कार्य कराए गए इसकी सूचना पर अब संबंधित जो विभाग है वह जैसे एप्लीकेशन पाता है वह शुरू हो जाता है क्या उसका एक आरटीआई सेल अलग ही है वह कुछ लोगों को लगा रखा है कि जो एप्लीकेशन आता है इस प्रकार से आप उसको देख करके और इस बेचारे को सीधे एक तीस दिन के भीतर आप सूचना इसको दे दें वरना अपील में जाएगा कि हमको सूचना प्राप्त नहीं हुई और इन्होंने एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं किया है अब उसको एक सेल लग गया काम करने के लिए अब उसको दस दिन के अंदर वह सूचना व्यक्ति देख पिछले पाँच सालों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि इसमें कितना खर्च कितना पैसा आया है अधिकारी का बीच में ट्रांसफ़र हो गया कितना पैसा खर्च किया गया कितना एलईडी इसमें फ्यूज हुई है कितने निर्माण कार्य हुए हैं जो अधिकारी ट्रांसफ़र हुआ है क्या उसने अब उनसे फ़ोन करके पूछा जा रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है ये जो व्यवहारिक समस्याएँ आ रही हैं इसका एक नकारात्मक पक्ष है यद्यप की अधिनियम बहुत ही कारगर है प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दूर करने में पी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है परंतु इसका एक निगेटिव पक्ष यह भी है कि इस प्रकार की जो सूचनाएँ आ रही हैं कहीं कहीं प्रशासन और शासन को नुकसान करने के लिए यह इस प्रकार की प्रवृत्ति को टेंडेंसी को थोड़ा सा हतोत्साहित करने की आवश्यकता है जिसके जिससे कोई उसका उद्देश्य साबित नहीं हो रहा है वो भी दस वर्षों का बीस वर्षों का रिकॉर्ड ले रहा है कि देखें दस वर्ष पिछले दस वर्षों में बीस वर्षों में क्या कार्य किया गया है तो मैंने आपको ये बताया कि जो आर टी धारा छः के अंतर्गत ये सूचना अधिकार अधिनियम दो के अंतर्गत दिया गया है ये प्रावधानित करता है कि सूचना अप्लीकेशन दिए जाने आवेदन दिए जाने की तिथि से तीस दिन के भीतर सूचना प्राधिकारी को जिसे हम सी बोलें सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सी स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर राज्य लोक सूचना अधिकारी यह इस अधिनियम को पारित होने के पश्चात प्रावधानित किया गया कि प्रत्येक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र में प्रत्येक संस्थाएं अपने यहाँ एक सूचना सेल रखेंगी आरटीआई सेल से उसको गठित करेंगी और किसी प्रकार की सूचना मांगने पर उस सूचना जो लोक सूचना अधिकारी होगा वह लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान करेगा तो सामान्यतः आवेदन प्राप्ति से तीस दिन के भीतर सूचना प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराना होता है यदि ऐसी सूचना व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया गया गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस थाने में उठा करके एस एच ओ लेके चला गया अब गिरफ्तारी से गिरफ्तारी का जो मामला है यह व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ सीधा मामला है गंभीर मामला है तो इस सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि जहाँ पर आ, सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है जीवन से जुड़ी हुई सूचना है गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ सूचना है वहाँ पर ऐसी सूचना आवेदन प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर सूचना प्राधिकारी को देना होगा उदाहरण के तौर पर अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है यह जानकारी अगर कोई लेना चाहता है तो इस अधिनियम के तहत वह संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को आवेदन दे करके कर सकता है और वह संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी 48 घंटे के भीतर यह बताने के लिए बाध्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ निरुद्ध रखा गया है वरना उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है तो ये मैंने बताया आवेदन प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सूचना को दिया जाना है सूचना मिसलीडिंग है सूचना भ्रामक है गलत सूचना दिया जा रहा है अपुष्ट सूचना दिया जा रहा है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है या सूचना देने से इनकार कर दिया जा रहा है इन परिस्थितियों में एग्रीव पर्सन जो है वह अपील में जा सकता है यदि तीस दिन के भीतर इस प्रकार सूच या तो सूचना नहीं मिलती है इनकम्प्लीट मिलती अपूर्ण सूचना मिलती है भ्रामक सूचना मिलती है उसको उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी सूचना से व्यथित पक्षकार एग्रीड पार्टी उसमें अपील में जा सकता है कि हम इस प्राधिकारी के द्वारा दिए गए सूचना से संतुष्ट नहीं है इसी के लिए राज्य लोक सु, राज्य सूचना आयोग बना हुआ है तो मैंने आपको ये बताया कि अब राज्य सूचना आयोग क्या कार्य करेगा राज्य सूचना आयोग से भी संतुष्ट नहीं है तो केंद्रीय सूचना आयोग में वो मामला जाएगा तो अब स्क्रीन पर इसको देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन संबंधी प्रक्रिया क्या है आप इसको देखें सी आई सी मैंने लिखा हुआ है संक्षेप में इसको केवल सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सी आई सी इसको बोलते हैं तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग कौन होगा सी आई सी सदस्य जो विधि विज्ञान समाज सेवा या प्रशासन में दक्ष हो या रहा हो इन्हीं को मेंबर बनाया जा सकता है केंद्रीय सूचना आयुक्त सीआईसी एक सीआईसी होगा एक केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा और मैक्सिमम इसमें दस नंबर मेंबर हो सकते हैं तो जो सीआईसी होगा हम इसको एक मुख्य सूचना आयुक्त बोलते हैं दस सूचना आयुक्त होंगे कितने वर्ष के लिए होंगे पाँच वर्ष या पैंसठ वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहेंगे जो पहले हो अर्थात नियुक्ति से लेकर के पाँच वर्ष या पैंसठ वर्ष तक ये सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है इनकी नियुक्ति कौन करेगा ए दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और ऐसी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तब की जाएगी जब एक समिति की सिफारिश हो उस समिति में कौन होंगे उस कमेटी में कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे अध्यक्ष लोकसभा होंगे नेता प्रतिपक्ष होगा प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होगा आप ये देखें ये जो हाई पावर कमेटी है इस हाई पावर कमेटी में आ, कौन कौन लोग होंगे प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया गया एक केंद्रीय मंत्री चार लोगों के द्वारा गठित समिति के द्वारा एक सिफारिश दी जाए की जाएगी और ये लोग क्या सर्च कमेटी होगी एक ये सर्च कमेटी क्या कार्य करेगी ऐसे व्यक्तियों को सूचना आयुक्त नियुक्त करने की सिफारिश करेगी जो साइंस विज्ञान समाज सेवा में इनका विशिष्ट योगदान रहा हो प्रशासन में इनकी विशिष्ट योगदान रहा हो इनमें से एक अध्यक्ष और अधिकतम दस सदस्यों की नियुक्ति के विषय में यह समिति सिफारिश कर सकती है अब सिफारिश के पश्चात राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा पाँच वर्ष या पैंसठ वर्ष तक के अपने कार्य को करते रहेंगे अब आप देखें स्लाइड स्क्रीन पर कि सीआईसी की भूमिका क्या होगी इनकी नियुक्ति हो गई अब ये कार्य क्या करेंगे सीआईसी आई ऐसी शिकायत का निस्तारण जो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं प्राप्त की गई हो वह सी में आवेदन देगा सु मोटो पावर किसी मामले में जांच करने की सुमोटो पावर इनको स्व प्रेरणा से भी किसी मामले में जांच कर सकते हैं दूसरा ये सी पी आई ओ और एस पी आई ओ मैंने लिखा हुआ है आप इस पर स्क्रीन पर देखें जो सी पी आई ओ है सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं एस पी आई ओ को बोलते हैं स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा अगर गलत सूचना दी गई है या भ्रामक सूचना दी गई है तो ऐसी स्थिति में सी आई सी को आवेदन किया जा सकता है एग्रीड पार्टी के द्वारा सी आई सी लोक प्राधिकारी के अधीन किसी दस्तावेज की जाँच कर सकता है ये सी को पावर होगा कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके अगर कब्ज़े में कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी जांच कर सकता है ये सी का कार्य है सी के और पावर क्या होंगे सी के पास आप स्क्रीन पर देखें सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी अर्थात जो सिविल कोर्ट पावर रखता है वह पावर सी के पास भी है सिविल कोर्ट पावर क्या रखता है जैसे समन जारी कर सकता है किसी भी मामले में जो उसके समक्ष लाया गया है सी के समक्ष कि पब्लिक अथारिटी ने इस पब्लिक अथॉर्टी के पास यह डॉक्यूमेंट है तो उस पब्लिक अथॉर्टी के पा को सी आई सी समन कर सकता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन दिस प्रस्क्राइब टाइम समन जारी किया जा सकता है किसी व्यक्ति को शपथ पर सूचना देने के लिए विवश किया जा सकता है कि आप ये एफिडेविट पर सूचना दें कि जो भी आप दे रहे हैं सूचना वो सूचना सही है जिससे कि अगर गलत सूचना होगी तो मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी दस्तावेज की जांच या पड़ताल करना केंद्रीय सूचना आयोग को वही पावर है कि वह किसी भी दस्तावेज की जांच और पड़ताल कर सकता है जो दस्तावेज किसी पब्लिक अथॉरिटी के, के पोजीशन में है और आगे देखें शपथ पर साक्ष्य भी ले सकता है ऐसे व्यक्ति से जो सूचना दे रहा है लोक प्राधिकारी से उस पर ले सकता है कि जो अभी आप दे रहे हैं सभी सूचना सत्य है साक्षी की परीक्षा है तो संबंध भी जारी कर सकता है सीआईसी सी आई ये सारी पावर सिविल कोर्ट को भी हैं और आर के अंतर्गत चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को भी ये सारी पावर दी गई हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सारे सी के और एस के पावर को मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि इस आर एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग को क्या पावर होगा और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को पावर क्या होगा इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग को भी ये पावर दिया गया है कि ऐसे सी को जो लोक सूचना अधिकारी है जिसने भ्रामक सूचना दी है सूचना नहीं दिया है यह साबित हो गया न्यायालय के सम सी के समक्ष तो सी अधिकतम बीस हज़ार रुपये का जुर्माना इन पर लगा सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत पेनाल्टी इम्पोज करने की भी पावर दी गई है इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है कि इस सीपीआईओ को यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि प्रायः यह शिकायत मिली है कि जब कभी भी इन्फॉर्मेशन लिया जाता है तो यह लोक प्राधिकारी जो है यह सूचना नहीं देता है या भ्रामक सूचना देता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है तो ये सी के पावर के अंतर्गत आएंगे और सी इन इन कार्यों को संपादित कर सकता है अब एक बार इस आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जो कुछ मैंने आपको बताया इसको संक्षेप में अगर बताने का प्रयास करें तो धारा सिक्स जो इसमें दिया गया है उसके अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रावधान है वो सेक्शन सिक्स का ही है जो राइट आरटीआई एप्लीकेशन देने की बात करती है आरटीआई एप्लीकेशन कैसे दिया जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कोई भी भारतीय नागरिक सूचना किसी भी संबंधित विभाग से प्राप्त करना चाहता है तो वह सूचना धारा छः के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारी को लिखते हुए कि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर धारा छः के अंतर्गत सूचनाकर्ता निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता है अब इसमें कुछ सूचनाएं जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन वह सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं जैसे कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति बैंक से यह सूचना प्राप्त करना चाहता है कि उसके पड़ोसी का बैंक अकाउंट में कितना पैसा है बैंक लॉकर में कितना ज्वेलरी जमा की गई है तो यह बैंक और यह बैंक और अकाउंट होल्डर के जो फिड्यूसरी रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को ब्रीच करता है तो बैंक को ये पावर दे दिया गया कि बैंक ऐसी किसी भी सूचना को डिस्क्लोज करने से उसको छूट दी जा रही है जिससे कि कोई लोकहित या हित की प्राप्ति नहीं हो रही है एक बात मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि कोई भी बैंक चाहे वह सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो किसी भी ऐसे व्यक्ति को सूचना देने से मना कर सकता है जो सूचना प्राप्त करने का इस रूप में प्रयास किया गया है कि बैंक खाते में मिस्टर एक्स ने कितना पैसा जमा किया है उनका लॉकर कहाँ कहाँ किन किन बैंकों में है लॉकर में बैंक लॉकर में कितने आभूषण हैं यह बैंक अधिकारी ऐसे आवेदन को प्रथम दृष्टिया रिजेक्ट कर सकता है और इसको उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय के माध्यम से भी और बल प्रदान कर दिया गया है उसका कारण केवल यह है कि बैंक और बैंक अकाउंट होल्डर के बीच जो न्यासत संबंध है उसको इस आधार पर सूचना देने से मना सकता कर सकता है किसी थर्ड पर्सन को दूसरी बात जहाँ पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई न्यायालय में संस्थित है आय से अधिक स्रोत के मामलों में या भ्रष्टाचार से संबंधित किसी मामलों में वहाँ पर अगर बैंक से कोई सूचना ले रहा है व्यक्ति तो बैंक वहाँ पर ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य है क्योंकि ऐसे सूचना को डिस्क्लोज करने से वह पब्लिक इंटरेस्ट लोक न्याय की वृद्धि हो रही है या पब्लिक इंटरेस्ट में वह इन्फॉर्मेशन दी जा रही है किस व्यक्ति के पास यह जो इन्फॉर्मेशन चूंकि अपराधी आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है तो इसमें इन्फॉर्मेशन उस उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन बैंक के द्वारा संबंधित विभाग को दी जा सकती है पुलिस के मांगने पर दी जा सकती है न्यायालय में प्रोवाइड की जा सकती है यदि न्यायालय मांग करता है कि आप इनके बैंक अकाउंट जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन हुआ जरा उस अकाउंट को दिखाइए तो वहाँ पर वह बैंक उस सूचना दे सकता है न्यायालय को तो यहाँ पर एक अपवाद दिया गया है कि बैंक ऐसी परिस्थितियों में खाता धारक के पैसे को बैंक लाकर को न्यायालय को या पुलिस को दे सकती है बता सकती है अगर सूचना प्राप्त हुआ ये लोग सूचना प्राप्त करने का आरटीआई के अंतर्गत प्रयास करते हैं क्योंकि ये इससे ये पब्लिक इंटरेस्ट में लोकहित में यह सूचना दी जा रही है अन्यथा एक परसेंट को छोड़ करके नाइन्टी नाइन परसेंट बैंक आरटीआई एप्लीकेशन को सूचना एप्लीकेशन को खारिज कर सकता है इस आधार पर की सूचना देने के लिए बैंक बाध्य नहीं है दूसरी बात मैंने आपको जो ये बताई कि इसका जो दुरुपयोग मिस किया जा रहा है आर एप्लीकेशन का एक प्रकार से प्राधिकारी को हरस करने के लिए लोक प्राधिकारी सी पी को हरस करने के लिए इसका एक नकारात्मक जो पक्ष देखने को आया है कि वे प्राधिकारी को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको तंग करने के लिए आरटीआई एप्लीकेशन ज़्यादातर पड़ते हैं परंतु इन सभी के बावजूद भी आरटीआई का जो सकारात्मक पक्ष है वह भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में भी आर बहुत ही महत् महत्वपूर्ण रहा है उसको मैंने आपको दो तीन केस ऐसे बताएं कि जिसमें आरटीआई के माध्यम से आरटीआई सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया गया ऐसे बहुत से राज्य स्तर पर आपने देखे होंगे कि आरटीआई के माध्यम से जो सूचना ली जाती है प्रायः कभी आ, लोक प्राधिकारी के द्वारा जो सूचना दी जाती है कि या तो भ्रामक होती है या इनकम्प्लीट होती है और ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है और ये कुछ ऐसे राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जहां पर कि आरटीआई एक्टिविस्ट को अपना जान भी गंवाना पड़ा वो केवल इसलिए कि वो सरकार से सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे या किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी विधायक या सांसद के विरुद्ध कोई सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे उसमें कई ऐसे नाम हैं जिन्हों जो आर एक्टिविस्ट को आर एक्टिविस्ट की मृत्यु कायित कर दी गई या रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु कायत कर दी गई जो उन लोगों ने आरटीआई एक्टिविस्ट होते हुए सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया था तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी संसद ने कानून बनाया उसके लिए विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है कि जो कोई भी इस प्रकार से करता है उनके भी संरक्षण के लिए प्रोटेक्शन के लिए भी कानून होना चाहिए तो अभी एक विशेष कानून इंडिया में बनाया गया है कि जिससे कि ऐसा व्यक्ति जो समाज हित में काम कर रहा है उनको भी हिसल ब्लोअर के रूप में इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए संरक्षण मिलना चाहिए तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि इस व्याख्यान के अंतर्गत आप ये देखें लोकपाल क्या है लोकपाल से संबंधित कानून भारत में कब कब प्रयास किया गया लोकायुक्त क्या है लोकायुक्त के पावर क्या हैं ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया सूचना आयोग इन्फॉर्मेशन कमीशन की स्थापना और सूचना आयोग अध किस अधिनियम के अंतर्गत गठित होता है इसके पावर क्या हैं कौन इसको अपॉइंट करेगा कितने वर्ष के लिए अपॉइंट करेगा इसको मैंने बताया जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इसमें एमपी एमएलए को नहीं रखा जा सकता है उसका कारण केवल यह है कि चूंकि सरकार के विरुद्ध ही सूचना होती है एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि नो पर्सन कैन बी ए जज इन हिज ओन केस कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता तो ऐसी स्थितियों में एम पी को इस आर एक्ट के सूचना आयोग के सदस्य होने या राज्य सूचना आयुक्त होने से रोका गया है कि ये अगर सूचना होंगे तो ये शायद सरकार के विरुद्ध सूचना होने पर ये सूचना कर्ता को समय से उपलब्ध न कराएं इसके पश्चात मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि कब कब आरटीआई से संबंधित प्रयास किए गए भारत में और राज नारायण से लेकर के इसमें वर्तमान में भी बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिसको सूचना इस इस अधिनियम की इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के विषय में प्रयास कर रहे हैं तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो भी लोकपाल लोकायुक्त और सूचना आयोग हैं ये तीनों की स्थापना का उद्देश्य केवल और केवल शासन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है चाहे वह लोकपाल हो एक्ट हो लोकपाल अधिनियम हो चाहे वह सूचना आयोग हो क्योंकि मैंने इसलिए तीनों को एक साथ बताने का प्रयास किया कि लोकपाल लोकायोग और सूचना आयोग ये तीनों ऐसे ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिन मैकेनिज़्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति प्रशासन में घटित हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है और यह इस निश्चित रूप से इन संस्थाओं के निर्माण होने से प्रशासन पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है आप ये देखें कि आरटीआई एक्ट की प्रभावशीलता आप देखें कि कोई भी आज के समय में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में या सरकारी सेवाओं में कोई भी पदाधिकारी अपने विवेक का दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं करता क्योंकि उसे मालूम है कि आरटीआई में दस रुपये खर्च करके कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त कर लेगा कि किस मेरिट के आधार पर किसको प्रवेश दिया गया है किस योग्यता के आधार पर किसको किस विभाग में नौकरी दी गई है उनके डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं वो जान सकता है तो अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लोक प्राधिकारी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इस बात से अपने डिस्किशन को मिसयूज नहीं कर सकते जैसा कि पहले आपने देखा होगा कि विभाग की गोपनीयता के आधार पर जो कर्जन के समय से ही ऑफिशियल सेक्रेटर एक्ट बना हुआ था कार्यालय ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट उन्नीस का कि जिसमें फेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए बाध्य नहीं था और राज्य की स्थिति को गोपनीयता बनाने के लिए सरकार की पॉलिसी को गोपनीय रखने के लिए विभाग की गो गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए विभागाध्यक्ष किसी भी सूचना को देने से मना कर सकता था अब उस अधिनियम वह अधिनियम अप्रासंगिक हो गया है कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में है उस इन्फॉर्मेशन को कोई भी भारतीय नागरिक अधिकार पूर्वक दावा कर सकता है इस आरटीआई के आने के पश्चात तो निसंदेह यह जो अधिनियम है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 निश्चित रूप से अपने जिस उद्देश्य के लिए पारित किया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में ये सफल हो रहा है कुछ इसके हर कानून के अप, उसके मेरिट और डिमेरिट हैं तो आरटीआई एक्ट के भी मेरिट और डिमेरिट हैं मेरिट ये मैंने जैसा आपको बताया कि 90-95 परसेंट यह इफेक्टिव प्रभावी रहा है परंतु आपवाधिक परिस्थितियों में जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है परेशान करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कहीं कहीं पर इसके दुरुपयोग होने के भी आ, मामले प्रकाश में आते हैं लेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता कि पूरा अधिनियम जो है वह निष्प्रभावी है निश्चित रूप से आर भारत भारत आ, के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इस अधिनियम के माध्यम से हम बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर पाए हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये व्याख्यान निश्चित रूप से लाभान्वित करेगा लोकपाल से संबंधित सूचना हो लोकायुक्त से संबंधित सूचना हो मैंने उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में आपको बताया कि कहाँ कहाँ से कितने वर्ष कितने वर्षों के पश्चात ये लोकायुक्त तो और लोकपाल लोकपाल विधेयक कानून का रूप ले पाया भारत में ये दूसरा सूचना आयोग जो आर टी आई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का है उसके अंतर्गत भी मैंने आपको कौन सी सूचनाएं देने से स्टेट मना कर सकता है धारा आठ के अंतर्गत कौन सी सूचनाएं कोई भी व्यक्ति अधिकारपूर्वक ले सकता है कितने दिन के भीतर सूचनाएं ली जा सकती हैं टाइम बाउंड इन्फॉर्मेशन देने की बाध्यता है और सूचना न देने पर कितनी पेनाल्टी इम्पोज होगी दंड अर्थदंड लगाया जा सकेगा इन सभी को प्रावधानों को मैंने विस्तार से चर्चा की और कोई भी परीक्षा होगी जिसमें लोकपाल और लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित प्रश्न आएंगे चाहे वह इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आए वर्तमान कार्य प्रणाली को लेकर के आए पावर को लेकर के आए कौन अपॉइंट करता है कैसे किस समिति की सिफारिश होगी समस्त सूचनाएं मैंने देने का प्रयास इस व्याख्यान के माध्यम से किया है और निश्चित ये उम्मीद है आशा और उम्मीद है कि आप इस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद